खंड खंड शिवलिंग से देवों की नगरी में मचा घमासान। काशी को क्योटो बनाते बनाते पैदा हुआ धर्म संकट। मलबे में कहां से आए सैकड़ों खंडित शिवलिंग? क्या स्मार्ट सिटी की बलि चढ़ा रही है मोदी की काशी? न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं। साढ़े चार साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उन्हें माँ गंगा ने बुलाया है। उन्होंने गंगा का कायाकल्प करने की कसम खाई थी और देवों की नगरी काशी को क्योटो बनाने का संकल्प लिया था। लेकिन आज साढ़े चार साल के अंदर काशी का ये रूप भी देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप सोच नहीं सकते कि देवधाम में ये भी हो सकता है। काशी का कायाकल्प करने के चक्कर में कहीं ये प्राचीन नगरी अपनी संस्कृति तो नहीं खो देगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ मलबे में टूटे फूटे खंडित शिवलिंग का अंबार लगा है। 10, 20, 50 या 100 खंडित शिवलिंग नहीं, बल्कि यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में खंडित शिवलिंग मलबे में है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये सारे शिवलिंग कहीं स्थापित थे और इन्हें तोड़कर यहाँ लाया गया है। खंडित शिवलिंग का मलबा सिर्फ एक जगह नहीं है। यहाँ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ टूटे फूटे शिवलिंग ही दिखाई देंगे। सवाल उठता है, आखिर हजारों खंडित शिवलिंग कहाँ से आए? किसने मंदिरों को तोड़ के वहाँ से स्थापित शिवलिंग हटाए? क्या काशी को स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में संस्कृति की बलि दी जा रही है? क्या मंदिरों के शहर से उसकी पहचान छीनी जा रही है? काशी को लेकर कई सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट। आरोप लग रहे हैं कि इस कॉरिडोर को बनाने के चक्कर में काशी की सांस्कृतिक विरासत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लोग भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ संत हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ का प्रशासन। अब वो आमने सामने आ गए हैं। आखिर किस तरह देवों की नगरी काशी एक नए संग्राम की दहलीज पर खड़ी है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है।